ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे गर्मी की। पूरे उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और दिल्ली में कल देश में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक से गर्मी की जो तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। देहरादून में कल रिकॉर्ड 43 डिग्री तक तापमान पहुंच गया जो कि सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। देहरादून में अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा तापमान 43.1 डिग्री दर्ज किया गया और कल का तापमान बिल्कुल उसी रिकॉर्ड के बराबर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी का प्रकोप है। भीषण गर्मी की वजह से सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ है और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर है। झांसी की बात करें तो यहां पर 49 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की ये तस्वीरें। हालांकि जो सबसे ज्यादा तापमान था वो दिल्ली में दर्ज किया गया 52 डिग्री। अलीगढ़ में बढ़ती गर्मी के तापमान को देखते हुए नगर निगम ने लोगों को राहत दिलाने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। अलीगढ़ नगर निगम ने चौराहों पर लगी हुई रेड लाइट के पास में हरे रंग के पर्दे भी लगाए हैं। अभी 2 से 3 ये पर्दे लगाए गए हैं। बाकी रेड लाइट के लिए भी प्रोसेसिंग चल रही है। इन पर्दों की वजह से रेड लाइट पर रुकने वाले लोगों को धूप से थोड़ी राहत मिल रही है। नगर निगम की इस पहल से लोग काफी खुश नजर आए। बहुत अच्छा है, सराहनीय काम है और सभी लाल बत्तियों पर ये होना चाहिए। हम बाइक वालों को बहुत दिक्कत होती है खड़े होने के लिए और धन्यवाद देंगे नगर निगम को और ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए आम जनता। ये ऊपर जो टेंट लगा दिया है ऊपर जो छाया में खड़े रहने के लिए अच्छी बात है। ये पहले किस तरह की परेशानी होती थी? पहले खड़े रहते थे, धूप आती थी बहुत तेज, खड़े रहते थे। लाल बत्ती हो रही है बहुत देर में होती है तो यही परेशानी। अभी देखा अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी भीषण पड़ रही है, टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर है। इसको देखते हुए नगर आयुक्त महोदय द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। जहाँ जहाँ हमारे ग्रीन सिग्नल लगे हुए हैं वहाँ पे वाहन रुकते हैं। इससे जो भी यात्री हैं उनको गर्मी से राहत मिले उसको देखते हुए हम लोग ग्रीन सेट जगह जगह लगवा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।